हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि दोपहर को 3:30 बजे की आपकी एक क्लास होती है जो कि सुपर टेट स्पेशल क्लास होती है। डिफरेंट सब्जेक्ट जो है सुपर टेट के हम इसमें कवर करते हैं, जो कि आपके जैसे कि करंट अफेयर हो गया, GQ हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग, GS, SST, ये सारे ही सब्जेक्ट हम देखते हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस हम इसके देख रहे थे, लेकिन अभी इसको डे वाइज, क्योंकि डे वाइज रहता है एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक दिन में रहता है तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि दो दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से बेटर है कि हम एक सब्जेक्ट को एक दिन में देखें। तो कल जो है हमारी क्लास हुई थी कंप्यूटर की, उसके पहले रीजनिंग की, 40 से भी ज़्यादा क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फिर आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस, और अच्छा ये है कि आज हम वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में, जो रेपिटेटेड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिसका भी सिलेबस में ये आपका सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस, उसमें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मेंशन ये ऑलरेडी कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने बी गेस किया था सही है। जो लोग लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लाइव चैट में जाके रिप्लाई करते रहें, और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं यानी 3:30 बजे नहीं देख रहे हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होगी? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या फिर बेवर? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लक्स। पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो यस, पास्कल जो है वो दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट है, इकाई है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फलस्क का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योति। अंडा मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, या फिर जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है? रीजन बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसी वजह से जो है वो अंडा तैरता रहता है। भाई जिसका घनत्व अधिक होगा वो चीज़ें नीचे रहेंगी, डूबेंगी, और जिसका जो हल्का रहेगा, घनत्व कम रहेगा, वो क्या रहेगा, जाहिर सी बात है वो ऊपर रहेगा, तैरता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आण्विक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन? और यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका पारा यानी कि मरकरी होती है, वो ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक यानी कि कंडक्टर होता है और यूज़ किया जाता है आपके थर्मामीटर्स में, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा या फिर अवास्तविक उल्टा और छोटा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक होता है, रियल इमेज बनती है, उल्टा बनता है हमेशा रेटिना पे, जो भी इमेज होती है हमारे सामने अगर कोई चीज़ खड़ी है तो हमारे रेटिना पे उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। और वो हमें उल्टी दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे दिमाग तक सिग्नल वो जाते हैं तो फिर से वो पलट जाती है, फिर से उल्टी हो जाती है, तो दो बार प्रोसेस होती है। इस वजह से एक बार कोई चीज़ अगर ऐसी है वो हमारे रेटिना पे ऐसा बना और दिमाग तक पहुँचने पर फिर से जो उसका वो इमेज बनता है वो इस टाइप से बनता है, इसीलिए हमें वो चीज़ सीधी दिखती है और छोटी बनती है, इतनी बड़ी नहीं बनती जितनी वो रियल में होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसका हम पूरा अगर प्रतिबिंब यानी कि ऊपर से नीचे तक देखना चाहते हैं शीशे में, तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए एक प्लेन मिरर की?
व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई या व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी होनी चाहिए। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी भी शीशे की मतलब लंबाई है तो उसमें व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देख लीजिए। सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम में 3 बार रिपीट हुआ, वो कोई एग्जाम भी कोई वैसा वैसा नहीं, UPSC का। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका इसके लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर या 321 लीटर। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना रहेगा? अच्छा, ये पीएच वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको जब एसिड और बेस वाला चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ाया था उसमें थ्योरी में पूरा मैंने समझाया था, स्केल बना के, पीएच स्केल बना के। तो वो वीडियो विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख लीजिएगा, फटाफट से देख लीजिए क्या हो जाएगा। 6 से कम हो जाता है वही रहता है, यानी कि 6 ही रहेगा। 6 से अधिक हो जाएगा या उदासीन हो जाता है, मतलब कि 7, क्योंकि उसका एकदम सेंटर में 7 होता है, जो आपकी पीएच स्केल होती है एकदम उसका मिडिल 7 होता है। तो आप बताइए क्या होगा उत्तर। यहाँ पे सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जब वह खट्टा हो जाएगा या यानी कि उसमें एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा, उसका 6 से कम हो जाएगा मान। पीएच मूल्यांक दर्शाता है क्या? निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक या शुद्ध दूध की शुद्धता का मूल्यांक। पीएच मान सिर्फ ऐसा नहीं कि दूध का ही होता है, हर चीज़ का एक पीएच मान होता है। और यह दर्शाता है क्या, किसी कोई भी घोल जो है या कोई भी चीज़ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, या और अगर है भी तो कितनी अम्लीय है या कितनी क्षारीय है, ये चीज़ें दर्शाता है पीएच मान, पीएच वैल्यू। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं इसे, हालांकि पूछा जा चुका है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा जो होता है उसका प्रचलित नाम क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा है, और बाइक लग जाए उसमें बाइकार्बोनेट हो जाए तो आपका बेकिंग सोडा हो जाता है, कंफ्यूज इसी में बहुत लोग होते हैं, तो नहीं होना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, ठीक है? अब आपको बताने कि भारी जल क्या, खनिज समृद्ध जल होता है, ओजोनीकृत जल होता है, भारी धातुओं के खनिजों से युक्त जल होता है, या हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, जिसे हम भारी जल। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? जो सिरके में एक अलग सा टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। और यहाँ इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। पॉलीथिन तथा PVC के कुछ उदाहरण हैं क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक या फिर इनमें से जो कोई भी विकल्प सही नहीं है। सही उत्तर होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ये तो 8th क्लास की साइंस में है आई थिंक, वो भी NCERT मिल जाएगा आपको, है ना, जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में। तो थर्मोप्लास्टिक के प्रकार हैं जिनको इजीली हीट करके दूसरे रूप में मोल्ड किया जा सकता है।
वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला या फसल उगाने की कला? उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो अब आपको वो बताना है जो जेनेटिक रीजन होता है वो बताना है। एक स्ट्रैंडेड आरएनए, द्विक स्ट्रैंडेड आरएनए, एक स्ट्रैंडेड वृत्तीय डीएनए या द्विक स्ट्रैंडेड डीएनए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एड्स का कारण है क्या? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या अमीबा? आई थिंक दिस इज इजी क्वेश्चन, सबको पता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, एचआईवी नाम के वायरस के द्वारा होता है। इबोला क्या है? अभी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है इबोला, तो इबोला क्या है? इबोला एक कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर वायरस है? सही उत्तर होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, एक वायरस है और ये काफ़ी चर्चा में था पिछले साल, एक जानलेवा वायरस है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैटेक्स से या फिर पके फल के लैटेक्स से? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फल के लैटेक्स से। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, लाइट से केमिकल एनर्जी। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? तो यहाँ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है, स्टोरेज के रूप में कार्य करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के? फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए, डेस्मोसोम, राइबोसोम, धानी या लाइजोसोम? ये भी 8th क्लास की साइंस में है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल 8th में के सिलेबस में आप एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए या फिर उस एनसीईआरटी से भी बेटर है कि कोई प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक देख लीजिए जो सीबीएसई स्कूल्स रन करती हैं, और भी ज़्यादा डिटेल से आपको यही चीज़ें, यही चैप्टर्स मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइजोसोम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक? तो सबको पता है ये आसान सा प्रश्न है, कोशिका भित्ति, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की वजह से एक बड़ा रीज़न, वैसे डिफरेंस और भी होते हैं लेकिन ये सेल वॉल जो है वो एक बड़ा रीज़न होता है दोनों में डिफरेंस पाए जाने का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ल्यूवेन हॉक ने, साल्क ने, वॉटसन व क्रिक ने या फिर डाल्टन ने? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन एवं क्रिक ने। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है जो मुख्यतः किसके माध्यम से होती है? युग्मक के माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से, जीन के माध्यम से या सेंट्रोसोम के माध्यम से? उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जीन्स के माध्यम से। तो आज हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस देखे हैं। आई जस्ट होप यू लाइक द क्वेश्चंस, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।